सो हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस आज मेरे पास काफी सारी लेटेस्ट न्यूज है अपने गेम के रिगार्डिंग, जो कि मैं आप लोग को आज के वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि हम बात करेंगे कि लिफियन पोकेमोन से आप लोग कब खेल पाओगे, आप लोग को इसके बारे में आज के वीडियो में पता चल जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे कि क्या मेलुएटा पोकेमोन एक प्रैंक था, क्या वो अप्रैल फूल प्रैंक था जो कि हमारे साथ किया गया है हमारे पोकेमोन यूनाइट के डाटा माइनर के द्वारा। आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ आज के वीडियो में हम ये भी बात करेंगे अपने न्यू पैच नोट्स के बारे में, जो कि शायद से आप लोग ने देख लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आज के वीडियो में आप लोग को वो भी पता चल जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइज मैं आप लोग को बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज देना चाहता हूँ, और यहाँ पे वो न्यूज ये है कि आप लोग यहाँ पे फाइनली अपने न्यू पोकेमोन लिफियन से खेल पाओगे। एंड कब खेल पाओगे, तो यार आप लोग इसी मंथ में खेलने वाले हो। डेट क्या है, तो यार देखो आज हमारे डाटा माइनर ने यहाँ पे एक ट्वीट किया है जिसमें उसने यहाँ पे लिफियन की गिफ्ट को डाल के उसने बोला है कि शायद से ये पोकेमोन जो है वो तब आएगा जब अपने गेम में शैंडलर पोकेमोन रिलीज होगा, यानी कि लिफियन पब्लिक टेस्ट में हम लोग के लिए तब आएगा जब अपने रियल गेम में शैंडलर पोकेमोन आएगा। तो शैंडलर यहाँ पे 27 अप्रैल को आएगा, एंड उसी के आसपास यहाँ पे लिफियन भी पब्लिक टेस्ट के अपडेट में आएगा, जो कि मैं आप लोग को इसके ऑफिशियल डेट भी बताऊंगा। वैसे आप में से कौन कौन से लोग लिफियन पोकेमोन के लिए एक्साइटेड हो नीचे कॉमेंट करके मुझे भी जरूर से बताना। और फिलहाल यार बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे अपने पैच नोट्स के बारे में, जो कि शायद से आप सभी को ना पता हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे उन पोकेमोन्स की जो कि नर्फ हुए। सबसे पहला नेम आता है जैशिन का। जी हाँ गाइस, जैशिन के प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा बैड न्यूज है कि जैशिन नर्फ हो चुका है। वैसे बैड न्यूज भी है एंड कहीं ना कहीं काफी प्लेयर्स के लिए सही भी है, बिकॉज एग्जाम्स के चलते काफी सारे लोग इसको ले भी नहीं पाए, तो यार गेम थोड़ा सा अनबैलेंस्ड था। तो लेकिन यहाँ पे सब कुछ सही हो गया है, तो यार ये तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं और पोकेमोन्स की जो कि नर्फ हुए हैं। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे म्यू, उसके बाद यहाँ पे ग्लेशियन, फिर सैबले और ट्रेवेनेंट। गाइस ये पोकेमोन भी नर्फ हुए है। और अब बात करते हैं उन पोकेमोन्स की जो कि बफ हुए हैं। तो सबसे पहला नियम आता है यहाँ पे चार्जार्ड का। आखिरकार काफी समय के बाद चार्जार्ड बफ हो चुका है, एंड अगर आपने बफ के बाद एक भी मैच खेला चार्जार्ड से तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में जरूर से बताना। और इसके साथ ऑब्वियसली नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है आप लोग समझ गए होंगे, ज़ोरोआर्क। हाँ भाई इसको बफ मिलेगा क्यों नहीं, आखिर इसका बैटल पास आ रहा है, पोकेमोन कंपनी को पैसे कमाने हैं तो भाई बफ तो देंगे ही ना। तो यार बस ज़ोरोआर्क बफ हुआ है एंड चार्जार्ड बफ हुआ है। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। सो अब हम लोग बात करते हैं मेलुएटा पोकेमोन के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग को याद होगा जो भी हिंट्स एंड जो भी लीक्स आ रहे थे अपने पोकेमोन यूनाइट के डाटा माइनर से, वो एक्चुअली में फेक थे, यानी कि सच में फेक थे, यानी कि मेलुएटा पोकेमोन अपने गेम में नहीं आ रहा। ऐसा हम लोग को 1 अप्रैल के दिन फूल बना दिया गया यार, मतलब कुछ भी यार, पोकेमोन के नाम पे फूल बना दिया यार, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। मैं यार क्या सोच रहा था यहाँ पे क्या हो गया। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं अपने न्यू समर मैप के बारे में। तो यार देखो पिछले साल कोई भी समर मैप नहीं आया था और ना ही कोई समर इवेंट आया था स्पेशली, तो यहाँ पे भी चांस बहुत ही कम है न्यू समर मैप के एंड समर इवेंट के। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू मैप नहीं आएगा, पिछले साल एनिवर्सरी अपडेट में न्यू मैप आया था जो कि आप लोगों को पता ही है, थिया स्काई रुइंस रिक्वाजा वाला। तो इस साल भी एनिवर्सरी आने ही वाला है, तो उसमें भी एक और न्यू मैप के आने के चांस काफी आई है। लेकिन वो मैप होगा कौन सा, आज की वीडियो में नहीं किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे स्पेशली। तो गाइस आज की वीडियो को लाइक करो एंड ऐसी न्यूज पाने के लिए रेगुलर सब्सक्राइब करके रखो हमारे चैनल को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।